हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं बात करने वाला हूँ दो स्कूटर के बारे में जो कि बेहतरीन लुक और प्रैक्टिकलिटी के लिए जाना जाता है। मैं बात कर रहा हूँ यामाहा फेसिनो एंड टीवीएस जुपिटर 125 के बारे में। तो चलिए जानते हैं कौन सा स्कूटर आपके लिए बेहतर होगा। सबसे पहले कलर ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं। टीवीएस जुपिटर 125 तीन वेरिएंट में आता है और चार कलर ऑप्शन में मिलता है। यामाहा फेसिनो की बात करें तो इसमें तीन वेरिएंट और 6 से लेकर 9 कलर तक अवेलेबल है। लोअर वेरिएंट में आपको 6 कलर और टॉप मॉडल में आपको 9 कलर ऑप्शन में मिल जाता है। लुक यह एक सब्जेक्टिव मैटर है, फिर भी देखा जाए तो दोनों देखने में काफी गुड लुकिंग स्कूटर है। टीवीएस जुपिटर 125 थोड़ा बल्की है जबकि यामाहा फेसिनो थोड़ा स्लिम लगता है। दोनों में काफी सारे क्रोम यूज किया गया है। फ्रंट से दोनों बेहतरीन लगते हैं। दोनों में आपको DRL, LED हेडलाइट और हैलोजन इंडिकेटर मिल जाता है। टीवीएस जुपिटर मेटल बॉडी के साथ आता है जबकि यामाहा फेसिनो प्लास्टिक मटेरियल से आता है। दोनों के मिरर में क्रोम का इंसर्ट दिया गया है। जुपिटर 125 इनर साइड में डुअल टर्न दिया गया है। सीट के नीचे हुक और फ्रंट ग्लो बॉक्स के पास लगेज हुक दिया गया है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि फ्रंट में फ्यूल फिलिंग कैप दिया गया है और फ्यूल टैंक को फ्रंट पैसेंजर फुट के नीचे प्लेस किया गया है जो कि काफी कन्वीनियंट है। जुपिटर 125 के फ्यूल टैंक कैपेसिटी 5.1 लीटर है मगर यामाहा फेसिनो में ऐसा कुछ नहीं है। वही ट्रेडिशनल सीट के नीचे फ्यूल फिलिंग कैप दिया गया है। फेसिनो के फ्यूल टैंक कैपेसिटी 5 लीटर है। टीवीएस जुपिटर 125 के की होल के पास 2 लीटर का ग्लोव बॉक्स मिलता है। बाकी स्कूटर की तरह यह दो स्कूटर भी की से सीट ओपन, फ्यूल लीड ओपन, हैंडल लॉक और स्कूटर को स्टार्ट कर सकते हैं। यामाहा फेसिनो फ्रंट में 2 लगेज हुक दिया गया है मगर फ्रंट में कोई भी ग्लोव वर्क नहीं मिलता। आपको जो भी रखना है सिर्फ अंडर सीट स्टोरेज में रख सकते हैं और इसकी कैपेसिटी है 21 लीटर। दोनों में लगभग सिमिलर पावर प्रोड्यूस करने वाला इंजन दिया गया है। जुपिटर 125 में सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक एयर कूल 124.8 सीसी का BS6 फेज 2 कॉम्प्लायंस इंजन मिलता है। 6500 RPM में मैक्सिमम 8.1 PS पावर प्रोड्यूस करता है और 4500 RPM में 10.5 Nm मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करता है। टीवीएस जुपिटर 125 में आपको किक स्टार्ट नहीं मिलता, सिर्फ सेल्फ स्टार्ट दिया गया है। दोनों में साइलेंट स्टार्ट सिस्टम मिलता है। अब जान लेते हैं यामाहा फेसिनो की इंजन के बारे में। सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक एयर कूल 125 सीसी का हाइब्रिड BS6 फेज 2 कॉम्प्लायंस इंजन मिलता है। मैक्सिमम पावर 8.2 PS एट 6500 RPM में और मैक्सिमम टॉर्क 10.3 Nm एट 5000 RPM में। यहां पर किक और सेल्फ दोनों मिलता है। अब जान लेते हैं सस्पेंशन के बारे में। दोनों स्कूटर के फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलता है मगर रियर में जुपिटर 125 में एडजस्टेबल गैस फील्ड शॉक ऑब्जर्वर दिया गया है जबकि यामाहा फेसिनो में ट्विन स्विंग शॉक ऑब्जर्वर मिलता है। थोड़ा बेहतर कंफर्ट आपको टीवीएस जुपिटर 125 में मिलेगा। दोनों में ट्यूबलेस टायर दिया गया है। टीवीएस जुपिटर में फ्रंट में 220 mm का डिस्क ब्रेक और लोअर वेरिएंट में 130 mm का ड्रम ब्रेक मिलता है। रियर में सिर्फ 130 mm का ड्रम ब्रेक मिलता है लोअर और टॉप मॉडल में। यामाहा फेसिनो में फ्रंट ब्रेक 190 mm डिस्क ब्रेक मिलता है, लोअर वेरिएंट में 130 mm का ड्रम ब्रेक मिलता है, रियर में 130 mm का ड्रम ब्रेक मिलता है लोअर और टॉप मॉडल में। फेसिनो में हर वेरिएंट में आपको एलो व्हील मिलता है जबकि टीवीएस जुपिटर में बेस मॉडल में स्टील व्हील मिलता है और टॉप दो मॉडल में आपको एलो व्हील मिलता है। SBT सिंक ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी, बॉडी बैलेंस टेक्नोलॉजी, एडवांस सेमी डिजिटल कंट्रोल मिलता है, एनालॉग में स्पीड की जानकारी और डिजिटल में परफॉर्मेंस इंडिकेटर, डिस्टेंस टू एम्प्टी, एवरेज फ्यूल इफिशियंसी एंड लो फ्यूल इंडिकेटर दिया गया है। एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग कैप, कन्वीनियंट ऑल इन वन लॉक, USB चार्जिंग पोर्ट, साइड स्टैंड, इंजन कट ऑफ, LED DRL के साथ साथ LED हेडलाइट, ऑटोमेटिक स्टॉप स्टार्ट सिस्टम, साइलेंट स्टार्ट। अब जान लेते हैं यामाहा फेसिनो के फीचर के बारे में। USB वही SBT, यहाँ पर UBS, वहाँ पर SBT का फुल फॉर्म था सिंक ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी, यहाँ पर UBS का मतलब है यूनिफाइड ब्रेकिंग सिस्टम। फंक्शन सिमिलर है, सिर्फ नाम अलग अलग है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, टीवीएस जुपिटर में आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं मिलता मगर यहाँ पर मिलता। नेविगेशन, कॉल, SMS नोटिफिकेशन। लोअर वेरिएंट में एनालॉग कंसोल मिलता है मगर डिस्क ब्रेक वेरिएंट में फुल्ली डिजिटल कंसोल दिया गया है। डिजिटल कंसोल में स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, डिस्टेंस टू एम्प्टी, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, कॉल, SMS नोटिफिकेशन मिलता है और मोबाइल ऐप के थ्रू और भी कई सारे फंक्शन मिल जाते हैं मगर यहाँ पर टर्न बाय टर्न नेविगेशन नहीं दिया गया है। अंडर सीट स्टोरेज फिलिंग, 5.2 लीटर कैपेसिटी, कन्वीनियंट इन वन लॉक, सेम फंक्शन टीवीएस जुपिटर 125 में मिलता है। ऑप्शनल USB चार्जिंग पोर्ट, साइड स्टैंड, इंजन कट ऑफ,
वहां पर भी मिलता था और यहां पर भी मिलता है। एलईडी डीआरएल के साथ साथ एलईडी हेडलाइट, लोअर वेरिएंट में हैलोजन लाइट मिलता है। टीवीएस जुपिटर में आज स्टैंडर्ड मिलता है एलईडी डीआरएल और एलईडी हेडलाइट, मगर यहां पर ये सिर्फ टॉप मॉडल में मिलता है, लोअर वेरिएंट में हैलोजन लाइट दिया गया है। ऑटोमेटिक स्टॉप स्टार्ट सिस्टम, साइलेंट स्टार्ट सिस्टम दोनों टीवीएस जुपिटर में भी मिलता था और यामा फेसिनो में भी मिलता है। इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा स्टोरेज आपको टीवीएस जुपिटर में मिलता है, 33 लीटर अंडर सीट स्टोरेज। इतना ही नहीं, फ्रंट साइड में भी 2 लीटर का ग्लो बॉक्स भी दिया गया है, जबकि यामा फेसिनो में सिर्फ 21 लीटर का अंडर सीट स्टोरेज दिया गया है। टीवीएस जुपिटर 125 में 40-45 किलोमीटर पर लीटर माइलेज मिल सकता है, मगर यामा फेसिनो में लगभग 50 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दे देता है, क्योंकि यह एक हाइब्रिड इंजन है। इसमें मोटर फिट किया गया है जो कि इस स्कूटर को पावर देता है। इन दोनों का टॉप स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर है। दोनों गाड़ियां अच्छे हैं, जो आपको अच्छा लगे वही गाड़ी आप चूज कीजिए। मेरे ख्याल से टीवीएस जुपिटर आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि इनका सर्विस नेटवर्क यामाहा से ज्यादा है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।